नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में, जिसके रिजल्ट काफी पैथेटिक रहे और एज पर माय पास्ट एक्सपीरियंस आई थिंक ये स्टॉक नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आपको बिल्कुल कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड करते दिख सकता है। अब आगे के ट्रेंड और रिसेंट के न्यूज को फाइंड आउट करें, इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और अकाउंट तभी ओपन करें जब आप एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर हैं, जब आप ऑप्शन में एक्टिवली इंट्राडे ट्रेड करते हैं। और मास्टर क्लास को चाहे तो ज्वाइन करें, इसके डिटेल्स क्या मास्टर क्लास है, 1-to-1 का पहला क्लास स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं भी आपको देखने को मिलता है। और इसके डिटेल्स को आप प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसके पिन मैसेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस समय रिलायंस पावर 26.25 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। जो रिजल्ट रहे थे वो काफी पैथेटिक रहा था, जिसका कारण यह है कि पास्ट 1 मंथ में स्टॉक में लगभग लगभग 12% की गिरावट अपने को देखने को मिली है। एक रिवर्सल रही भी, लेकिन वो सस्ते नहीं रहा और फिर ये ट्रेंड जो है लोअर साइड में ट्रेड करते दिखा है। पास्ट 6 मंथ के ट्रेंड तो थोड़े बहुत प्रॉफिट दिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या दिखेगा, इस समय जो ट्रेंड बन चुका है, जो अर्लियर अपसाइड का ट्रेंड था वो इस समय क्या ट्रेंड बन चुका है, ये ट्रेंड बन चुका है डाउन साइड का। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा इस समय इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेडर को कौशन बरतना चाहिए। अब इस स्टॉक के डिलीवरी को देखिए तो आप पाएंगे कि इस स्टॉक के जो डिलीवरीज हैं वो 100% दिख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जो है वो SM कैटेगरी में है, यानी आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि इस समय आपको एज अ ट्रेडर कौशन होना चाहिए, क्योंकि इसके जो ट्रेंड है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वो काफी विजिबल है कि वो ट्रेंड जो है वो निगेटिव है। और जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म न कर रहा हो, ऐसे स्टॉक को शॉर्ट टर्म के पर्पज से लेने से अपने को बचना चाहिए। अब यहां देखेंगे तो स्टॉक जो है एक नॉमिनल वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। ये वॉल्यूम जो 80 लाख के दिख रहे हैं, ये लगभग 10 करोड़ दिखते, लेकिन कब, जब स्टॉक ASM कैटेगरी में नहीं होता तब 16,000 के नॉमिनल वॉल्यूम एज अ बाइंग तरफ दिख रहा है। यहां देखेंगे तो डिलीवरी इस स्टॉक में 100% जाते दिखा है। अब मुझे लगता है कि सर्विलांस इंडिकेटर से भी स्टॉक जो है वो हटते हुए काफी जल्दी दिख सकता है। इसके अलावा टेक्निकल ट्रेंड देखें, तो ट्रेंड को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, काफी विजिबल है कि ये कंसोलिडेट के बाद ही स्टॉक ने ऑल टाइम के लो के प्राइस को टच किया था। इस समय हमारे लिए एक बड़े टारगेट, जैसे आप 50 या फिर 90 या 200 जैसे लेवल अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है 32 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग। जब तक ये क्लोजिंग ना मिले कौशन रहे। बात रही डाउनसाइड के लेवल क्या दिख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम डाउनसाइड जो है 18-21 का दिख सकता है। इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। RSI इस समय 66 का है, जो कि बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाउन मूव इस स्टॉक में स्लोली एंड स्टेडी लोअर साइड के ट्रेंड आपको दिख सकते हैं।